नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। पाली पेयजल आपूर्ति के लिए भगत की कोठी से रेलवे स्टेशन से वाटर ट्रेन की पहली रैक रविवार सुबह पाली पहुंची। सुबह 7:30 बजे इस वाटर ट्रेन को जोधपुर से हरी झंडी दिखाकर पाली के लिए रवाना किया गया। करीब 9:15 बजे वाटर ट्रेन की पाली के जोधपुर रोड स्थित जलदाय विभाग के समीप पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने स्टेशन मास्टर सहित रेलवे कर्मचारियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत भी किया। प्रतिदिन 2 फेरे करेगी वाटर ट्रेन। शुरुआत में ट्रेन के 2 फेरे रोज होंगे, जिससे प्रतिदिन 40 लाख लीटर पानी ट्रेन के जरिए पाली पहुंच सकेगा। वाटर ट्रेन के प्रतिदिन 4 फेरे होंगे और इससे पाली को 80 लाख लीटर पानी की आपूर्ति प्रतिदिन हो सकेगी। इस दौरान वाटर ट्रेन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ रही। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह भाटी, पूर्व सभापति केवल चंद गुलेच्छा, विधानसभा प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, पार्षद भंवर राव, ऋखभ जैन, जलदाय विभाग के कान सिंह राणावत, हरिराम चौधरी, मनीष माथुर, शोभा कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। पाली से जितेश चौहान की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।